वेलकम बैक गाइस। पोकेमोन एवोल्यूशन यार हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और हमको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है भाई पोकेमोन एवोल्यूशन। अब जैसे कि हम जानते हैं भाई पोकेमोन हमेशा पहले फर्स्ट स्टेज में रहता है, फिर सेकंड स्टेज में जाता है। और पोकेमोन वर्ल्ड का एक रूल है कि अगर एक पोकेमोन भाई इवॉल्व हो गया अपने सेकंड स्टेज में तो वो वापस से कभी भी अपने फर्स्ट स्टेज में नहीं जा सकता भाई, कभी भी नहीं जा सकता अपने फर्स्ट स्टेज में। लेकिन कुछ पोकेमोन भाई पोकेमोन वर्ल्ड के अंदर ऐसे हैं जो कि इस रूल को तोड़ते हैं, यानी कि वो ऐसे हैं कि भाई वो अपने सेकंड स्टेज पर जाके वापस से डी इवॉल्व होकर अपने पिछले स्टेज पर जा सकते हैं। अब यार वैसे तो गेम्स और एनिमे दोनों के अंदर ही हमको कभी कोई पोकेमोन डी इवॉल्व होते हुए नहीं दिखाया गया, तो यहाँ पे भाई मैं हेल्प लेने वाला हूँ पोकेडेक्स एंट्री की। बेसिकली मैं कुछ ऐसी पोकेडेक्स एंट्री बताऊंगा पोकेमोन्स की जिनके हिसाब से भाई वो डी इवॉल्व हो सकते हैं। तुम लोग को वीडियो बहुत पसंद आएगी, बस एंड तक जरूर देखना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 मैग्नेटॉन पोकेमॉन। मैग्नेटॉन एक स्टील और इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमॉन है जिसने हमको कैंटो यानी कि जेनरेशन 1 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब यार ये चीज़ देख के तुम लोग इसको आराम से समझ सकते हो कि भाई ये पोकेमॉन तो 3 मैग्नेमाइट से मिलके बना हुआ है, ये तुम देख के ही समझ सकते हो वैसे तो। बट फिर भी यार ये चीज़ कन्फर्म करी गई है इसकी पोकेडेक्स एंट्री में, वहाँ पर अगर तुम चेक करोगे तो यही लिखा हुआ है कि हाँ यार ये पोकेमॉन मैग्नेमाइट से ही मिलके बना हुआ है। तो यार इसका मतलब तो यही है कि भाई ये पोकेमॉन आराम से डी इवॉल्व हो सकता है, यानी कि अपने पिछले एवोल्यूशन में जा सकता है अगर ये चाहे तो। क्योंकि अगर भाई ये तीनों मैग्नेमाइट अलग अलग हो गए तो भाई ये फिर तो ये मैग्नेमाइट ही बन जाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग तो मैग्नेमाइट ही रहेंगे। अगर 3 मिलते हैं तभी भाई मैग्नेटॉन बनता है। तो यार अगर उस मैग्नेटॉन के तीनों मैग्नेमाइट अलग हो जाते हैं तो भाई फिर वो मैग्नेमाइट ही बन जाएंगे। तो हाँ ये पोकेमॉन भाई एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि बेसिकली डी इवॉल्व हो सकता है बस अगर ये चाहे तो, क्योंकि अगर इसका मन किया तो भाई अलग भी हो सकते हैं। तो हाँ मतलब ये बेसिकली ऐसा पोकेमॉन है जो कि डी इवॉल्व हो सकता है, मतलब ये एक्चुअली में पॉसिबल है इसका डी इवॉल्व होना, इसलिए मैंने इसको लिस्ट में रखा है। नंबर 2 रेड की ईवी। अगर तुम लोगों ने पोकेमॉन एडवेंचर्स मांगा पढ़ी है तो तुमको इसके बारे में पता होगा, अगर नहीं पढ़ी तो ऑब्वियसली भाई मैं हूँ यहाँ पे बताने के लिए, मैं बताता हूँ। तो भाई पोकेमॉन एडवेंचर्स मांगा के अंदर जो अपना रेड है उसके पास भाई एक ईवी रहती है जो कि एक्चुअली में भाई बार बार किसी भी इवोल्यूशन में बदल सकती है और वापस से अपने ईवी वाले फॉर्म में भी आ सकती है। और यहाँ तो भाई कोई पोकेडेक्स एंट्री वगैरह नहीं है, ये तो सीधा भाई खुद कर सकती है और उसने मांगा के अंदर बहुत बार किया भी है। मतलब यार सही में वो अपनी मर्जी से जब चाहे जोल्टियन पोकेमोन में बदल सकती है, फिर वापस ईवी वाले स्टेज में आ सकती है, फिर जब चाहे भाई वो फ्लेरियन बन सकती है, फिर वापस ईवी के स्टेज में आ सकती है। तो ऐसे यार वो किसी भी इवोल्यूशन में बदल सकती है और वापस से डी इवॉल्व भी हो सकती है। लेकिन उसको ये पावर भाई मतलब उसको ये एबिलिटी थी ना जो वापस डी इवॉल्व होने की, ये ऐसे ही नहीं मिली थी। हर ईवी भाई डी इवॉल्व नहीं हो सकती, इस वाले ईवी के ऊपर एक स्पेशल चीज़ हुई थी, इसका एक स्पेशल रीज़न है जो कि है कि टीम रॉकेट ने भाई इस वाली ईवी पे एक्सपेरिमेंट किए थे और इस एक्सपेरिमेंट के चलते भाई ऐसी बन गई थी कि डी इवॉल्व हो सकती है, वरना हर ईवी ऑब्वियसली ऐसा नहीं कर सकती डी इवॉल्व होना। सिर्फ ये वाली भाई स्पेशल ईवी थी, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए थे, इसी के कारण भाई ऐसी बन गई थी कि किसी भी इवोल्यूशन में इवॉल्व हो सकती है, फिर वापस से डी इवॉल्व भी हो सकती है। नंबर 3 मेलमेटल पोकेमॉन। मेलमेटल एक प्योर स्टील टाइप का पोकेमॉन है Gen 7 अलोला के पास, और भाई ये काफी शानदार मिथिकल पोकेमॉन है जिसको एश ने भी कैच किया था अलोला के अंदर। क्या तुम लोग जानते हो भाई एक तरह से देखे तो मेलमेटल पोकेमॉन भी डी इवॉल्व हो सकता है। हालांकि भाई ऐसा तो नहीं है कि अपनी मर्जी से डी इवॉल्व हो सकता है, पर एक टाइम आता है जब ये डी इवॉल्व हो सकता है। बेसिकली यार अगर तुम लोग मेलमेटल की पोकेडेक्स एंट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि यार जब इस पोकेमॉन का लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, जब इसकी उम्र खत्म हो जाती है, उसके बाद यार ये पोकेमॉन बिल्कुल जंग बन जाता है और ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट भी जाता है, और उसके बाद ये खुद ही से वो सारे जो टुकड़े रहते हैं इसके वो सब जुड़ जाते हैं, और फिर वो टुकड़े जुड़ने के बाद वापस से बन जाता है ये एक मेल्टन, जैसे मैंने बोला था। हाँ ऑब्वियसली भाई ये अपनी मर्जी से डी इवॉल्व नहीं हो सकता, जब इसकी उम्र खत्म होती है उसी के बाद भाई अपने फर्स्ट स्टेज में वापस जाता है। लेकिन इसको मैं इस लिस्ट में ले सकता हूँ क्योंकि भाई देखो ज़्यादातर पोकेमॉन जो भी मतलब सब पोकेमॉन ही मरते होंगे ऑब्वियसली, तो यार वो जब भी मरते हैं तो वो सेम बॉडी उनकी वापस जिंदी नहीं होती होगी। लेकिन मेलमेटल के साथ ऐसा केस है भाई, इसकी जो वो वाली बॉडी है वही वापस जुड़ के एक मेल्टन बनती है, तो इसीलिए यार इसको लिस्ट में रखना बिल्कुल सही होगा और फेयर होगा मेरे हिसाब से तो। नंबर 4 मेंटाइन। मेंटाइन एक जोटो रीजन का पोकेमॉन है और काफी शानदार पोकेमॉन है, इसकी टाइपिंग है वाटर और फ्लाइंग। अब यार मेंटाइन भी एक पॉसिबल डी एवोल्यूशन कर सकता है। अब देखो अगर तुमको नहीं पता तो भाई मेंटाइन का जो फर्स्ट स्टेज है उसमें से अगर तुमको इवॉल्व करना है भाई मेंटाइन बनाना है उसको, तो तुम लोग को लगेगा रेमोरेट पोकेमॉन, ये फैक्ट साइज सब लोगों को पहले से पता होगा। लेकिन अगर रेमोरेट पोकेमॉन नहीं रहेगा ना तो वो इवॉल्व ही नहीं होगा भाई, कभी भी मेंटाइन बन ही नहीं सकता रेमोरेट के बिना। तो यार ऐसा पॉसिबल है कि रेमोरेट भाई इसके लिए काफी मेन पोकेमॉन हो, क्योंकि अगर तुम देखोगे ना मेंटाइन के साथ हमेशा एक रेमोरेट घूमता है, मतलब इवॉल्व होने के बाद भी भाई हमेशा इसके साथ एक रेमोरेट रहता ही है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है अगर यार रेमोरेट पोकेमॉन मेंटाइन के साथ से हट जाए, वो उसके साथ ना घूमे, तो क्या पता भाई वो अपने फर्स्ट स्टेज में वापस चला जाए, ये भी एक काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है और मुझे लगता है इसको लिस्ट में आना चाहिए।
नंबर 5 है स्लोब्रो। स्लोब्रो एक वाटर और साइकिक टाइप का पोकेमोन है जेन 1 यानी कि कैंटो से। और यार ये तो सबसे ऐसा पॉपुलर पोकेमोन है जो कि हम जानते हैं डी इवॉल्व हो सकता है। इसके बारे में तो ऑलमोस्ट हर किसी को पता ही होगा भाई, काफी पॉपुलर है भाई और इसका डी एवोल्यूशन भी बहुत पॉपुलर है। अब हम सब लोग जानते हैं ये इवॉल्व तभी होता है जब यार इसकी पूंछ को एक शेल्डर काटता है और शेल्डर के काटने के बाद ये इवॉल्व होता है स्लोब्रो में। तो यार ऐसा इसकी पोकेडेक्स एंट्री में भी लिखा हुआ है कि अगर यार इसकी पूंछ को वो शेल्डर छोड़ दे तो वो डी इवॉल्व भी हो सकता है, ऐसा भी बिल्कुल कंफर्म है। और ये सबसे पॉपुलर चीज़ है भाई, डी एवोल्यूशन में सबसे पॉपुलर पोकेमोन यही है। मैं यार इसमें कुछ भी फेक नहीं रहा भाई, यहाँ पे तुम लोग खुद पोकेडेक्स एंट्री में पढ़ सकते हो, साफ साफ यही लिखा है कि भाई अगर शेल्डर इसकी पूंछ को छोड़ दे तो वो स्लोब्रो वापस से स्लोपोक बन जाता है यानी कि डी इवॉल्व हो सकता है। तो इसीलिए भाई इसका इस लिस्ट में आया तो गारंटी में था भाई बिल्कुल। नंबर 6 एग्जेक्यूटर पोकेमोन। एग्जेक्यूटर एक ग्रास और साइकिक टाइप का पोकेमोन है जेन 1 यानी कि कैंटो रीजन से। और भाई ये भी एक काफी शानदार पोकेमोन है। एग्जेक्यूटर पोकेमोन भी बेसिकली भाई डी इवॉल्व हो सकता है और इसके पोकेडेक्स एंट्री से ये बिल्कुल कंफर्म है। अब जैसे कि तुम लोग देख सकते हो इसके पास काफी सारे सर है या फिर तुम इन्हें एग्स भी कह सकते हो। तो इसके पोकेडेक्स के हिसाब से अगर इसका एक सर या फिर एक एग अगर जमीन पर गिर जाता है, जो कि मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा कि भाई गिरेगा तभी होगा, इसकी पोकेडेक्स एंट्री में एक्चुअली लिखा हुआ है कि भाई वो गिरता ही है थोड़े थोड़े टाइम में, इसका जो एग है वो जमीन पर गिर जाता है और फिर वो जो एक एग है वो खुद से ही एग्जीक्यूट बन जाता है, जो एग्जीक्यूट पोकेमोन है इसका प्री एवोल्यूशन वो बन जाता है और फिर एक साइकिक पावर की मदद से भाई पता नहीं कैसे फिर वो 5 एग्जीक्यूट में बदल जाता है और फिर वो एग्जीक्यूट वापस से भाई एग्जीक्यूट और बनता है। तो ऐसे भाई इसकी साइकिल चलती रहती है बेसिकली। तो हाँ ये भी एक तरह से देखा जाए तो भाई डे इवॉल्व हो सकता है और ये भी बेसिकली खुद से तो नहीं हो सकता, लेकिन जब यार एक टाइम आता होगा कुछ स्पेसिफिक टाइम जब भाई अपना एक अंडा जमीन पर गिरा देता है फिर वो अंडा बनता है एग्जीक्यूट। लेकिन जो भी हो इसकी पोकेडेक्स एंट्री के हिसाब से ये बेसिकली डे इवॉल्व तो हो सकता है, जिसके चलते भाई हमारी लिस्ट में आया है। नंबर 7 डकट्रियो पोकेमोन। डकट्रियो भी जेन 1 यानी कि कैंटो से काफी शानदार सा ग्राउंड टाइप पोकेमोन है। वैसे क्या तुम लोगों ने नोटिस किया, जो भी ऐसे पोकेमोन है जो कि भाई एक तरह से पॉसिबल है जिनका डी एवोल्यूशन होना, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे कैंटो से ही है। अब यार तुम लोग इतने समझदार हो ना, अभी मैंने भाई इसका नाम लिया डकट्रियो का, तुम लोग समझ भी गए होगे मैं इसके ऊपर क्या रीजन देने वाला हूँ। हाँ यार तुम लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो भाई, डकट्रियो पोकेमोन बना हुआ है 3 डिगलेट से मिलके। इसके नाम में भी तुम देख सकते हो ट्रियो आता है जिसका मतलब 3 लोग ही होते हैं, क्योंकि 3 डिगलेट से मिलके बना हुआ है इसीलिए भाई इसका नाम है डकट्रियो। तो यार अब अगर वो डिग्लेट चाहे ना तो वो अलग अलग भी हो सकते हैं। और हाँ ये चीज़ इसकी पोकेडेक्स एंट्री से भाई कंफर्म करी गई है कि तीनों जो डिग्लेट रहते हैं ना, मतलब जो 3 डिग्लेट इसमें जुड़े हैं डकट्रियो बने हैं, उन तीनों के पास अपनी अपनी सेपरेट पावर होती है यानी कि वो अलग अलग भी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई एक अगर सर कुछ कर रहा है तो बाकी सब भी वही करते रहेंगे उसके जैसा, नहीं भाई सब अपना सेपरेट काम भी कर सकते हैं ये तीनों। तो इसका मतलब यही है भाई, आराम से अलग अलग भी हो सकते हैं अगर ये चाहे तो, वो उनकी मर्जी के ऊपर है। और भाई अगर ये ऐसा करेंगे कि अलग अलग हो जाएंगे तो भाई फिर तो वो बस डिग्लेट ही बन जाएंगे, फिर डकट्रियो तो रहेगा ही नहीं, तो बेसिकली एक तरह से डी इवॉल्व भी माना जाएगा। तो हाँ ये भी एक पॉसिबल डी एवोल्यूशन है जिसके चलते मैंने इसको लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया है। तो हाँ यार यही थे हमारे वो टॉप 7 पोकेमोन जो कि डी इवॉल्व हो सकते हैं या फिर तुम कह सकते हो पॉसिबल है भाई इनका डी इवॉल्व होना। होपफुली तुमको आज की ये वीडियो पसंद आई हो भाई, काफी मेहनत करी है वीडियो पे तो लाइक जरूर कर देना यार वीडियो को। बाकी चैनल पर नए हो तो यार पोकेमोन कंटेंट पसंद है तो यार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना भाई, डेली तुम्हें एकदम इंटरेस्टिंग पोकेमोन वीडियोस मिलेंगी। तो हाँ सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन तो मेन दबा के जाना। बाकी मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।